नमस्कार, हूँ राम किरण राणे, उपशिक्षक डॉक्टर केशवराम बळीराम हेडगेवार, प्राथमिक कुमार शाळा क्रमांक 264, साईबाबा नगर, पांडेसा, सूरत। तमारी समक्ष इनोवेशन 2022-23 मां मारो मुख्य शीर्षक छे डिजिटल डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। डिजिटल डेमोक्रेसी इन एजुकेशन आ प्रोजेक्ट अमे 2016-17 ना वर्ष थी अमल में लावेल छे, ते आपणी समक्ष रजू करवा जई रह्यो छु। अमारी शाळा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति सूरत संचालित शाळा छे, जे पांडेसर विस्तार मां आवेल छे, जेमां अमे बाळकोने दर वर्षे डिजिटल माध्यम थी टेक्नोलॉजी ना उपयोग द्वारा चूंटणी नी प्रक्रिया करे छे। विद्यार्थियों वास्तविक चूंटणी प्रक्रिया नो विषय जाने, विद्यार्थियों चूंटणी मां डिजिटल टेक्नोलॉजी नो उपयोग विषय जाने, लोकशाही नी समानता केळवे अने गौरव अनुभवे, बाळकोनी तर्क शक्ति अने जिज्ञासा वृत्ति मां वधारो थाय, अमलीकरण अने व्यूहरचना, शाळा मां परंपरागत शिक्षण ने बदले डिजिटल चूंटणी नी प्रक्रिया नो प्रवृत्ति नो अमल शैक्षणिक वर्ष 2016-17 थी करवामां आवे छे। शाळा मां 550 विद्यार्थियों संपूर्ण चूंटणी प्रक्रिया प्रेक्टिकली समझावामां आवी छे, जेमां चूंटणीनुं जाहेरनामुं बहार पाडवुं, चूंटणी पंचनी रचना करवी, तेनी कामगीरीनी वहेंचणी करवी, शाळाना विद्यार्थियोमांथी विद्यार्थियोना उमेदवारी फॉर्म भरवा, डिपोजिट जमा करवी, फॉर्म रद्द करवा, उमेदवारोनी फाइनल यादी जाहेर करवी, उमेदवार द्वारा प्रचार करवो, आचार संहितानो अमल करवो, बीएलओनी निमणूक करवी, तेमज बूथ तैयार करवा, तेमज पोलिंग स्टाफनी निमणूक करवी, चूंटणी एजेंटनी निमणूक करवी, मत गणतरीनी प्रक्रिया बाळकोनी समक्ष प्रत्यक्ष रीते करवी, त्यारबाद विजेता उमेदवारोने जाहेर करवा, तेमनी शपथविधि करावी, कैबिनेट मंत्रिमंडळनी रचना करवी वगैरह प्रक्रिया करोने बाळकोने संपूर्ण प्रत्यक्ष चूंटणी द्वारा समझावामां आवे छे। प्रोजेक्टनी उपयोगिता, शाळाना तमाम 550 विद्यार्थियों और तमाम वालियों समग्र चूंटणी प्रक्रिया ने समझे, चूंटणीना डिजिटल टेक्नोलॉजी उपयोग करता थाय तथा शिक्षण में लोकशाहीना मूल्यों जाने अने लोकशाही प्रत्येक गौरव अनुभवे, तेमज बाळकोनी तर्क शक्ति अने तेमनी जिज्ञासा वृत्ति में वधारो थाय। नवतर प्रयोगनुं मूल्यांकन, डिजिटल चूंटणीनी प्रक्रिया पूरी थया पछी रेन्डमली 550 मांथी 125 बाळकोए चूंटणी अंगेना जवाबो आप्या, तेमज 100 जेटला बाळको पसंद करी तेओने वर्णनात्मक सवालो पूछवामां आव्या, तेमांथी 75 बाळकोए जवाब आप्या। परंपरागत शिक्षण अने वास्तविक चूंटणी प्रक्रिया में केवो अनुभव थयो, 2 ईवीएम मशीन में मतदान केवी रीते थाय, तेमज 6-8 180 बाळकोनी पीच पड़दा लेवामां आवी, जेमांथी 150 जेटला बाळकोए पीच पड़दा जवाबो खूब सुंदर रीते आप्या। 6-8 मां 150 बाळकोनी एमसीक्यू आधारित एमसीक्यू परीक्षा में लेवामां आवी, जेमांथी 125 बाळकोए संपूर्ण जवाब आप्या। तेमज त्यारबाद कैबिनेटनी रचना करवामां आवी। नवतर प्रयोगनुं परिणाम, शाळाना 80% एटले 440 बाळकोए डिजिटल चूंटणीनी प्रक्रियानी समज पड़ी, शाळाना 70% एटले 385 विद्यार्थीओए ईवीएम मशीन विशेनी संकल्पना सिद्ध थई, शाळाना 60% एटले 330 विद्यार्थीओ चूंटणीना अटपटा सवालना जवाब आपता थया, शाळाना 200 उपरांत वालीओए डिजिटल चूंटणीनी प्रक्रिया जाणी અને સમજીને તેમાં ભાગ લીધો। નવતર પ્રયોગની વર્તમાન સ્થિતિ, હાલ આજ દિન સુધી શાળામાં ડિજિટલ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા શરૂ છે, તેમજ અન્ય 10 શાળામાં આ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે, તેમજ આ વર્ષથી બીજી 10 શાળામાં ડિજિટલ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની છે। અસ્તુ।